स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर के साथ। दोस्तों आज लाए हैं जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने अपना पार्ट टू का रिजल्ट जारी किया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थंबनेल पे हम यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने कि 19 मई तक का ये रिपोर्ट है। स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट में जो गड़बड़ी पर उठ रहा है सवाल बहुत से छात्रों का, 33 नंबर मार्क जो 100 नंबर में 33 नंबर लाना पड़ता है, बहुत से छात्र का 32 नंबर लाया है, तब पर भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने उनको प्रमोटेड कर दिया, एक नंबर न देकर 32 नंबर वाले को भी प्रमोटेड कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से छात्रों का क्वेश्चन आ रहा है कि पार्ट थ्री में एडमिशन होगा कि नहीं, आप लोग टेंशन मुक्त रहे, पार्ट थर्ड में आपका एडमिशन होगा, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, पार्ट थर्ड में आप एग्जाम देंगे, आपका पार्ट टू का रिजल्ट अभी ठीक नहीं है, तब पर ही पार्ट थ्री का एग्जाम दे सकते हैं। आखिरकार रिजल्ट कैसे सुधरेगा, इसके लिए बीबी ने यानी विश्वविद्यालय ने आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है स्नातक पार्ट टू त्रुटि रिजल्ट को लेकर आसार पड़ेगा आने वाले सेशन पे। यहाँ पे लिख रहे हैं कि आसन जो भी आने वाला सेशन है पार्ट थ्री, वहाँ पे लिख रहा है कि स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट में त्रुटि आने से परीक्षा विभाग की परेशानी अब और बढ़ चुकी है, इसका सत्र अब सत्र पर पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका असर जो है सत्र पर पड़ेगा। मान लीजिए रिजल्ट सही नहीं रहेगा तो पार्ट थ्री में जल्दी से एडमिशन नहीं होगा, पार्ट थ्री में अगर एडमिशन होता भी है तो बहुत से छात्रों का प्रमोटेड दिखाई देगा, तो बहुत से छात्र बवाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज़ है उसको हम पढ़ लेते हैं, क्या उपाय है, क्या करना है पार्ट थ्री को सही करने के लिए, पार्ट टू को सही करने के लिए, ताकि आपका पार्ट थ्री में आपका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परीक्षा विभाग द्वारा ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी कि स्नातक पार्ट टू की रिजल्ट की प्रकाशित करने का तुरंत पार्ट थ्री में, यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट थ्री यहाँ पे है, पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म जल्द से जल्द, बहुत से छात्र जिनका रिजल्ट सही है तो वो पूछ रहे हैं कि पार्ट थ्री में एडमिशन कब होगा, कब से नोटिस जारी कर रहा है विश्वविद्यालय ने। यहाँ पे लिख रहे हैं कि पार्ट थ्री, यहाँ पे लिखा है कि पार्ट थ्री की परीक्षा संचालित करा दिया जाएगा, परंतु त्रुटिपूर्ण रिजल्ट आने के बाद इस रणनीति पर अब संकट का बादल छाने लगे हैं, क्योंकि जब तक विद्यार्थी, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक विद्यार्थियों का स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, वे पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म कैसे भर पाएंगे। ऐसा भी सूचना आया था कि पार्ट थ्री पहले बवाल मतलब हुआ था, तो पार्ट थ्री में ऐसा सूचना आया था कि पार्ट थ्री में अगर पार्ट टू क्लियर नहीं रहेगा तो पार्ट थ्री में एडमिशन आप ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि परीक्षा फॉर्म कैसे भर पाएंगे। अब देखना यह है कि परीक्षा विभाग त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का निपटारा करने में कौन कितना, यहाँ पे लिखा है कि कौन कितना समय लेता है। स्नातक पार्ट टू कई परीक्षार्थियों का आरोप है कि वे परीक्षा में उपस्थित हुए थे, पूरा परीक्षा भी दिया था, इसके बावजूद भी टीआर लिस्ट में उनको अनुपस्थित कर बताया गया है। यहाँ पे जबकि यहाँ पे लिख रहा है कि इसकी वजह से प्रमोटेड हो गए, वहीं कई पीछाजों का आरोप है कि हमें 2-3 अंकों से सहायक विषयों में फेल कर लिया गया है। यहाँ पे आपको बताया है कि जैन कॉलेज के परीक्षार्थी ने बताया कि परीक्षा देने के बाद भी सहायक विषय में टीआर पर अंक नहीं दर्शाया गया है। विद्यार्थी अमित सिंह कोई स्टूडेंट है, वो बताए हैं कि ऑनर्स का रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है, मालूम हो कि विश्वविद्यालय द्वारा जो टीआर लिस्ट जारी किया गया उसमें ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनका सहायक विषय में अंक नहीं दिखाया गया है, उनके उत्तीर्ण कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि बहुत से छात्रों का ऐसा समस्या है। सबसे पहले एक लेकर चलते हैं, यहाँ पे एक और है यहाँ पे कि त्रुटि का निदान आपका कैसे होगा। यहाँ पर लिखा है कि विश्वविद्यालय में त्रुटि रिजल्ट सुधारने के लिए छात्रों में छूट जाते हैं पसीना। यहाँ पर लिखा है साफ तौर पर विश्वविद्यालय, यहाँ पे देख लेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में त्रुटि का रिजल्ट सिलसिला कोई नया नहीं है, त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का सुधार कराने में विद्यार्थियों के पसीने छूट जाते हैं, नया कैंपस एवं पुराना कैंपस का चक्कर काटते काटते विद्यार्थी थक जाते हैं। बक्सर रोहतास एवं कैमूर जिले के विद्यार्थी परेशान होकर जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा ढूंढने लगते हैं। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी बार बार बाहर से आने की बजाय यहीं किसी व्यक्ति से संपर्क कर काम करा लेने में ही अपनी समझदारी समझते हैं। हालांकि इस बार परीक्षा विभाग ने त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से छात्रों को हम बता दें कि ये जिनका भी रिजल्ट करेक्शन हुआ है, सबसे पहले ये ईमेल जो है आप लिख लीजिए, रिजल्ट करेक्शन vksu@gmail.com, ये स्मॉल में सब है, आप लोग पहले लिख लीजिए। इसका प्रोसेस क्या है हम बताएंगे आगे। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे लेकर चलते हैं, अब यह कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। परीक्षा विभाग द्वारा यह दलित दिया जा रहा है कि कला वाणिज्य एवं विज्ञान संख्या का रिजल्ट क्रमवार सुधार किया जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है इस रिजल्ट सुधार होने के बाद इसकी सूचना विद्यार्थियों को ईमेल से ही भेज दिया जाएगा। अब बता दें आपको कि आपको क्या करना है कि मेल करना है,
मेल करने के बाद आपको बता दें कि मेल करने के बाद आपको ईमेल से ही सूचना मिलेगा, जिस ईमेल से आप मेल करेंगे उसी ईमेल से आपको सूचना मिलेगा। मेल करने के बाद एक मैसेज आएगा, आप उस मैसेज को ध्यान से देखिएगा। सेकेंड बार मैसेज आएगा कि आपका रिजल्ट सुधार कर लिया गया, आपके ईमेल के ही माध्यम से रिजल्ट सुधारने का कन्फर्मेशन दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मेल कैसे करना है, आपको मेल खोलना है। मेल खोलने के बाद आपको टू में जो होता है टू में, उसमें जो करेक्शन का ईमेल ऊपर बताए हैं, ये वाला ईमेल यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजल्ट करेक्शन, ये आपको क्या करना है कि उसमें टाइप करना है टू में, और सब्जेक्ट में बता दें आपको कि सब्जेक्ट में अपना जो विवरण है पूरे सही तरीके से लिखिएगा कि हमारा पूरा एग्ज़ाम दिए हैं और टीआर लिस्ट में नाम नहीं है, हम पूरा एग्ज़ाम दिए हैं और एक नंबर से प्रमोटेड हो गए हैं, कृपया फिर से कॉपी जांच किया जाए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अपना एडमिट कार्ड अटैच कर दीजिएगा, टीआर लिस्ट का जो स्क्रीनशॉट होगा बढ़िया से कि ताकि वहाँ पे साफ दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा टीआर लिस्ट भी लगा दीजिएगा ताकि वहाँ के शिक्षक को कोई भी परेशानी ना हो। मेल से अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।